नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैथल के पुराना बस स्टैंड से, जहां पर एक्टिवा की भिड़ंत हो जाती है। और आप देख पा रहे हैं कि कैमरे के सामने एक्टिवा जो थी वो कोई महिला चला रही थी, और ये जो भिड़ंत हुई है ये पुराना बस स्टैंड के पास जो पेट्रोल पंप है वहीं की आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से। जो तमाम साथी इस वीडियो से जुड़ चुके हैं, सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और तमाम जो है लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरी भीड़ जमा हो रखी है, और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कैमरे के सामने कितनी भयानक टक्कर जो है लगी होगी एक्टिवा की। तो दूसरा सा जो व्हीकल है उन बातचीत करेंगे यहाँ पर किसकी एक्टिवा थी, और तमाम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या पूरा मामला था। लेकिन जो तमाम साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जानेंगे जी। तो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से, तमाम जो पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो चुकी है और बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भीड़ जमा है जी, आप देख पा रहे होंगे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए भाई, तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इसी बुलेट के साथ जो टक्कर हुई है, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये बुलेट से उस एक्टिवा की टक्कर हुई है। कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं तमाम लोग भीड़ जमा हो चुकी है, लगातार भीड़ बढ़ती हुई, तो लगातार जो है भीड़ बढ़ती हुई है बुलेट के साथ टक्कर हुई है। लेकिन बातचीत करेंगे हम यहाँ पर कि क्या कुछ पूरा आखिर मामला रहा और क्या कुछ वारदात जी जी क्या हुआ था, क्या मामला है। मैं अपनी साइड आ रहा था, जो ये लेडीज सही है भाई साहब रोंग साइड आ रहे थे। अच्छा। और वो फोन पे बात सुन रहे थे, तो मैंने हटाने की कोशिश करी लेकिन हट नहीं पाई, वो सामने ही जाके टक्कर लगी। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि तेज चला रहे थे। तेज इतनी नहीं थी, एक नॉर्मल स्पीड थी। लेकिन और आप लोगों से चाहे पूछ भी लो, जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं, अगर सामने से वो रॉन्ग साइड हैं और फोन पे बात कर रहे हैं, जो चला रही थी वो फोन पे लगी हुई थी, तो वो हिला भी नहीं पाई अपनी एक्टिवा। लेकिन वो मैडम कह रही थी अगर धीरे होती तो आपकी बाइक रुक जाती, उससे भिड़ती नहीं। एक साइड हम चल रहे हैं 30-40 तो चलेगी, और यहाँ पे बाजार में मैं कितनी 80 तो चलाने से रहा, 40 की स्पीड तो बुलेट चलेगी, तो 30-40 पे वो सामने आ गई। तो टक्कर वो इसलिए हुई कि एक तो फोन पे और एक रॉन्ग साइड, सबसे पहले तो रॉन्ग साइड, वो रुकी नहीं, रुकने वाली बात नहीं, उन्होंने हिलाई भी नहीं, भाई थोड़ी सी साइड ही कर लें भाई, हमारी टक्कर बच जाए, वो हुई नहीं, साइड ही नहीं। तो ये बुलेट सवार जो व्यक्ति है जिसके साथ टक्कर हुई है, तमाम सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्टिवा भी खड़ी है, आपको दिखा देते हैं कि अभी क्या कंडीशन में है एक्टिवा, क्योंकि एक्टिवा के साथ टक्कर हुई है। और जो तमाम, हाँ जी हाँ जी हाँ, मेरे भाई साहब आगे थे तो उन सब उनसे वो बचे हैं। अच्छा, कौन थे? एक भाई साहब यही थे। तो हम बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से जो, तो हम बात जी क्या कुछ पूरा मामला था, ये टक्कर हुई है, टक्कर हुई है जी, बोल्ट वाला उधर तैयार है, रॉन्ग साइड चल रहे थे, टक्कर होगी, बोल्ट वाला अपनी गाड़ी उधर रोक ली, ना भाई क्या ना और ना कोई भाई क्या, वो लड़की को हॉस्पिटल ले चलो भाई, तैयार उतारे साथ ले जाने के लिए, उसका कोई रोल नहीं बोल्ट वाला का जी, सारे खड़े सारी मार्केट में पूछ लीजिए सब ले जाए, उसका कोई तरह नहीं, यही खड़े बोल रहा था कोई भाई क्या जी, मोबाइल लड़की रह रही थी कान का, हाँ जी उसका मोबाइल कान का बात कर रही थी, वो रॉन्ग साइड में थी। अच्छा, तो मैं भी पीछे आ रहा था बुलेट के आराम से था, इतना कोई तेज नहीं था, नहीं नहीं तेज नहीं था, इतना कितना चला लेगा बाजार में, सारी 30-40 पे तो चलता है बुलेट ऐसे, तो हम भी पीछे आ रहे थे उसका बुलेट वाले का ऐसा। तो हम आपको दिखा देते हैं जो एक्टिवा है वो यहीं पर खड़ी है जिसके साथ टक्कर हुई थी। तमाम तस्वीरें आप कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से देख पा रहे हैं, जहाँ पुराने बस स्टैंड का मामला है, जहाँ पर एक तरफ से एक्टिवा और दूसरी तरफ से बुलेट आ रही थी, दोनों की सीधी टक्कर हो जाती है। और यही वो एक्टिवा है जो टक्कर हुई है, इस पर एक महिला सवार थी जो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक्टिवा यहीं पर खड़ी है। तमाम तस्वीरें कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से, भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लेकिन बता दें आपको अभी हमने बुलेट वाले से बात की थी, जो बुलेट वाला यानी कि इससे टकराव हुआ जो बुलेट चला रहा था लड़का, उससे बातचीत की है हमने। तमाम तस्वीरें आप कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से देख पा रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हुए, प्रत्यक्षदर्शियों से भी बातचीत की है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो एक्टिवा सवार महिला थी वो बातचीत फोन पर बातचीत कर रही थी। आप देख पा रहे होंगे ये जो टक्कर हुई है इसी एक्टिवा के साथ टक्कर हुई है, और बुलेट सवार जो था वो इधर से आ रहा था, लेकिन सीधे तौर पर बुलेट सवार का कहना है कि महिला जो है रॉन्ग साइड से आते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी, ये उनका कहना है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों से भी बातचीत करेंगे जो लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। तमाम जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।
भाई सर्विस कर कोर्ट से गुंदा अपनी साइड में सही आवा तो कान फोन लारी थी यू भाई ये मौका के था हैं के था एक तो मां कान फोन लारी थी बस स्कूटी वाली ये तो अपनी साइड में सही आवा था अच्छा। इसका खोटे कौन नहीं तो लेडीज उधर तारी देख पेट्रोल पंप पे न्यूज आवा थी वा हां यू सही अपनी स्पीड पर थी तो आराम था था जे बुल स्पीड पर होंदी नहीं स्कूटी के चितड़े खिंड दे देंदे यार प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि महिला रोंग साइड चल रही थी इसी कारण जो है टक्कर हुई है। तमाम लोग जो यहाँ पहले से मौजूद थे जो देख रहे थे तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष दर्शी यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने जो है हादसे को देखा है और सभी लोगों का यही कहना है कि महिला रोंग साइड से आ रही थी फोन पर बात कर रही थी यही तमाम लोगों का कहना है। और तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से जहाँ पुराने बस स्टैंड का मामला है टक्कर हो जाती है स्कूटी वाली तो वैसे बात कर ले तो कहते कुछ कहना हो तो अपने विकास को जाते हैं पेट्रोल पंप में इतने में तो वो दूर से आया और एकदम वो हो गया जी। तो कौन कौन लोग थे आप उसको? मैं और मेरी बेटी हैं बस। बेटी को चोट आई है उसको शाह पास ले गए हैं। अच्छा जी। और मेरे को ये सारा ये देखिए उसकी पैंट पुंट फट गई तो वो मेरी चुन्नी लपेट के गई है ये मेरे पाँव पे ये इधर घुटने पे यहाँ सारी चोटें आई हैं। तो अभी आपके उसे कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस को बुलाया गया है? हमने 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया बेटी को शाहपास भेज दिया तो रिश्तेदार बुलाए भी ऐसे ऐसे हमारा हो गया। ठीक है। तो ये हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पर स्कूटी सवार जो महिला थी उनसे बातचीत की गई है लेकिन आपको बता दें मौके पर डायल 112 पहुँच चुकी है और जो है आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें लाइव कैमरे से कैथल ब्रेकिंग टीवी के जो है डायल 112 पर फ़ोन किया तो पुलिस पहुँच चुकी है। यही है क्या वो महिला जो बैठी हुई है? तो ये आप देख पा रहे होंगे डायल 112 पहुंच चुकी है। डायल 112 मौके पर पहुंची है और लगातार जो है ये फोटोएं ली जा रही हैं जिस स्कूटी के साथ एक्सीडेंट यानी भिड़ंत हुई है और आप देख पा रहे होंगे पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है तमाम कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जा रही है क्योंकि डायल 112 पर फ़ोन कर दिया गया था। पुलिस जो है अपनी लगातार छानबीन कर रही है। सीधी तस्वीरें आप कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से आप देख पा रहे होंगे ये जो तस्वीरें हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी के पुराना बस स्टैंड के जो सामने पेट्रोल पंप है वहीं से तमाम सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं जहां से जो है एक्सीडेंट हो गया है और महिला जो एक्टिवा चला रही थी और दूसरी तरफ बुलेट सवार जो एक युवक था उसका एक्सीडेंट हुआ। तमाम तस्वीरें आप सीधी लाइव कैमरे से कैथल ब्रेकिंग टीवी के दोनों ही फोन हमारे हाथों से भाग दूर तक गए हैं हमारे में से कोई भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि हम इसमें था ही नहीं
हम कोई ऐसा काम करने ही नहीं जा रहे थे जो हमारे पास फोन आया। हेलमेट वगैरह डाल रखा था आप लोगों ने? नहीं, हेलमेट नहीं डाला। लाइसेंस है, सब कुछ है जी। और उनका साफ तौर पर कहना है कि आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे कि और मैं अपनी साइड से सीधा आ रहा हूं। सर, हम तो इधर पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे ना। तो ये आप परली साइड से क्रॉस करके आए थे या इसी साइड से आ रहे थे? इसी साइड से। पहले ध्यान नहीं रहा कि पेट्रोल डलवाना, हमने दूर जाना था, तो मैंने बेटी को बोला मोड़े नहीं, हम तो सीधा ही आके अंदर जा रहे थे। अच्छा, तो बस स्टैंड की तरफ से आप इसी साइड से आ रहे थे? हाँ जी जी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पीछे भैया वो एक हद से भी ज्यादा स्पीड में थे, वो लोग जा रहे थे तो हमने उनको वो भागने की कोशिश की। अच्छा, ये भैया आप चाहते क्या, कार्रवाई करवानी है क्या, क्या चाहते हैं आप? वो हॉस्पिटल में बेटी को लेके गए हैं। हॉस्पिटल में बेटी को लेके गए हैं? नहीं, बेटी को तो लेके गए, अब कार्रवाई करानी है तो हम थाने में फोन करते हैं। अभी मैं बात कर लेती हूँ इनके साथ, उसके पापा ले गए हैं हॉस्पिटल में, मैं उनसे आपकी बात करा आप कहीं से भी किसी से भी पूछिए कि हम माँ बेटी कभी भी तेज एक्टिवा नहीं चलाते हैं। आप कहीं से मर्जी इस चीज की छानबीन करिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप अब जो पुलिस को बुलाया, आपने बुलाया ना पुलिस को? क्योंकि वो भाग रहे थे, हमने भी मैसेज कराना, हमारे पास भी टाइम है, एक मिनट जी, टाइम में देना उनको। तो फिर अभी जा रहे हैं ये, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पुलिस को बुलाया, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए भाई, उड़ना हो जाता। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैथल के पुराना बस स्टैंड से, जहां पर एक गंभीर जो है चोट लगी लड़की को बताई गई है, जो पुलिस पहुंच चुकी है क्योंकि डायल 112 पर फोन किया गया था। तो तमाम लोग यहां जुटे हैं और भीड़ इकट्ठी हो गई है क्योंकि मोटरसाइकिल यानी बुलेट और एक्टिवा की भिड़ंत तो हो गई थी। तो इसी के बाद लगातार जो है भीड़ यहाँ जमा होती जा रही है क्योंकि हादसा जो हुआ तो शहर के बीचों बीच मेन बाजार यानी कि कैथल के पुराना बस स्टैंड के सामने जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर ये हादसा हुआ है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैथल के पुराना बस स्टैंड से, तमाम जो अपडेट होती होगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी की ये लाइव कवरेज देख रहे हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। कैथल से कैथल ब्रेकिंग टीवी की विशेष रिपोर्ट।